प्रभाग समाचार प्रीतिश शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास। छात्रा के मामले में 14 पुलिसकर्मी 9 राजस्व कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बस्ती सदर कोतवाली के पोखर भेटवा गांव के एसआई दीपक सिंह और पीड़िता काजल सिंह प्रकरण में डीआईजी की जांच के बाद पुलिसकर्मियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। पहले आरोपी एसआई दीपक सिंह और कोतवाल निलंबित हुए, फिर एसपी को पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया। वहीं पर पीड़िता की तहरीर पर 14 पुलिस और राजस्व कर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। आरोपी एसआई दीपक सिंह शहर कोतवाल रामपाल यादव, एसआई राजन सिंह पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेखपाल शालिनी सिंह और कानून गो सतीश के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके अलावा पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे आरक्षी संजय दीक्षा, नीलम आलोक, पवन अवधेश समेत 2-3 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि एसआई दीपक सिंह ने लॉकडाउन में पीड़िता का मोबाइल नंबर मास चेकिंग के दौरान ले लिया था। उसके बाद पीड़िता के मोबाइल पर अश्लील हमारे परिवार के साथ और अंग्रेजों से ज्यादा जाते की है। पुलिस हमारे परिवार को सुसाइड के मोड़ पे लाके खड़ा कर दी है। पुलिस हम लोगों को कुछ भी मान सम्मान इज्जत सब कुछ खत्म कर दी, जान बचाए वो भी लेने पे तुली है। आज भी सारी पुलिस फोर्स हम लोगों के खिलाफ ही है। हम लोगों का कहीं भी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। राज्य महिला आयोग में हम लोगों की सुनवाई हुई है, वहाँ सुनीता बंसल मैडम है, वही हम लोगों की भगवान के रूप में आई है, वही सब कर रही है। कौन था वो व्यक्ति? चौक इंचार्ज दीपक कुमार सिंह एसआई थे। वो हमारे पास मास्क चेकिंग के दौरान हमारा नंबर लिए, फोन मैसेज उल्टा सीधा मैसेज करना चालू किए, हम उनको ब्लॉक कर दिए। इसी में बौखलाए हमारे पूरे परिवार के ऊपर 8 मुकदमा कर चुके, अनेकों धाराएं लगा चुके हैं। देशद्रोह और कुख्यात अपराधी का नोटिस हमारे घर पे लग गया। हम लोगों की शादी, हमारी बुआ की लड़की की शादी होने वाली थी, उनकी छोटी बहन की शादी की गई, उनका शादी कैंसिल हो गया, हमारी शादी कैंसिल हो गई, हमारा पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो गया। बस थोड़े से न्याय की उम्मीद है कि हम लोगों को कहीं से न्याय मिलेगा। अगर नहीं मिला तो सुसाइड के अलावा और कुछ हम लोगों के पास चारा नहीं है। भाई यार दर्ज हुआ है, क्या मामला है? पोखर बिटवा थाना कोतवाली की काजल सिंह पुत्री श्री महान सिंह के प्रकरण में शासन के द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। उस उच्च स्तरीय जांच समिति के निर्देशों के क्रम में कल एक अभियोग जो पीड़िता काजल सिंह है उनकी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया है। इसमें 12 पुलिसकर्मी और 2 राजस्व कर्मियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शेष आगे की विवेचना जो उच्च स्तरीय जांच समिति है उनके निर्देशों के क्रम में और पाए गए साक्ष्यों के क्रम में की जाएगी। सर विवेचना कौन करेगा? सर विवेचना अभी सीओ सदर आलोक के वो कर रहे हैं और आगे जैसे साक्ष्य प्राप्त होंगे उस हिसाब से विवेचना आगे बढ़ेगी। ठीक सर। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें।